नमस्कार, आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन कॉन्सेप्ट हम डिटेल में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट हो गया पूरा। ऑप्टिक्स में रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन होते हैं। रिफ्लेक्शन पूरा हो गया, अब रिफ्रैक्शन स्टार्ट करेंगे। रिफ्लेक्शन का लास्ट वीडियो प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑन मैग्निफिकेशन, ये वीडियो रिफ्लेक्शन का लास्ट वीडियो है। अब ये रिफ्रैक्शन का फर्स्ट वीडियो है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन मतलब बाउंसिंग ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम, वो हमें रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब रिफ्रैक्शन मैं ये बताता हूँ। अब रिफ्रैक्शन, रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग, रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम रेरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, रेरर टू डेंसर, इट्स बेंड और इट्स बेंडिंग। रे ऑफ लाइट है ना, ये लाइट रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम तक ट्रैवल होता है। रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम रेरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, इट्स बेंड। वो ये मीडियम, ये फर्स्ट मीडियम से दूसरा मीडियम को ट्रैवल करते हुए इधर बेंड हो जाता है, मतलब स्ट्रेट या वर्टिकल ऐसा आ रहा है तो बेंड हो जाता है, ऐसा बेंड हो जाता है। इसे हमें रिफ्रैक्शन कहते हैं। ये रेरर मीडियम क्या है और ये डेंसर मीडियम क्या है? रेरर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट है ना, लाइट कितने स्पीड से आ रही है मीडियम तक, वो इज मोर स्पीड से लाइट आ रही है, वेरी फास्ट। हमें पता है स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, स्पीड ऑफ लाइट इज मोर। डेंसर में इसका ऑपोजिट, स्पीड ऑफ लाइट इज लेस। इधर बेंड हो रहा है ना रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम रेरर टू डेंसर, इट्स बेंड। वो बेंड हो जाते समय स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज हो जाएगा, इसलिए डेंसर मीडियम को स्पीड ऑफ लाइट लेस कहते हैं। वो बेंड होने के कारण वो लाइट का स्पीड डिक्रीज हो जाता है, इसलिए स्पीड ऑफ लाइट इज लेस इन द डेंसर मीडियम व्हेन कंपेयर टू द रेरर मीडियम। अब हम डायग्राम में आ जाते हैं। ये है ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, वो डिवाइडिंग पार्ट है टू मीडियम के, डिवाइडिंग पार्ट। ये ऊपर वाला रेरर मीडियम, ये डेंसर या ये ऊपर वाला रेरर मीडियम, नीचे वाला डेंसर मीडियम। रे ऑफ लाइट कहाँ से आ रहा है? रेरर से डेंसर, ये है रेरर मीडियम, ऐसा आ रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, रिफ्रैक्ट। ये रिफ्रैक्शन है, इसलिए रिफ्रैक्ट। रे ऑफ लाइट आ रहा है, आफ्टर रिफ्रैक्शन पासिंग थ्रू द डेंसर मीडियम, इट्स बेंड। स्ट्रेट मतलब ये दो है, रेरर मीडियम डेंसर मीडियम, ये है स्ट्रेट, स्ट्रेट डायरेक्शन ऑफ लाइट, मगर इधर बेंड हो रहा है, इसलिए हम वो रिफ्रैक्शन कहते हैं। रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम रेरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, इट्स बेंड। हमें लाइट रे को कंपल्सरी से एरोस लगाना चाहिए। इधर ये है नॉर्मल, द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे है ना, इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टर रे, रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्टर रे, ये इंसिडेंट रे। एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टर रे आर आई एंड आर, एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे कंसिडर्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, एंगल आर, एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन।
एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगुलर, एंगुलर हमें क्या है, द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे कंसिडर टू बी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वो कहते हैं। अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रिफ्रैक्शन। ये लाइट रे रेयर से डेंसर मीडियम के आने पे क्या क्या प्रॉपर्टीज चेंज होते हैं, क्या क्या कांस्टेंट होते हैं वो देखें। ये इसका डेफिनेशन है, रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर इट्स बेंड और इट्स बेंडिंग, वो रिफ्रैक्शन का डेफिनेशन है। अब प्रॉपर्टीज, तीन प्रॉपर्टी है वो सब देखें। प्रॉपर्टीज, वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंजेस, वेलोसिटी है ना वो मीटर पर सेकंड है, मीटर कितने डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है वो चेंज होता है रेयर से डेंसर आने तक, वो इधर लेस, डेंसर मतलब स्पीड ऑफ लाइट लेस चेंज हो रहा है ना रेयर और डेंसर, मींस फ्रॉम रेयर टू डेंसर द लाइट स्पीड ऑफ लाइट इज चेंजिंग, दैट विल टेक एज वेलोसिटी हियर। वेवलेंथ, वेवलेंथ आल्सो चेंजेस, वेवलेंथ चेंजेस, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, इधर फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ज, हेच जेड हम बोलते हैं, ये इसका यूनिट है फ्रीक्वेंसी का यूनिट। इधर वेलोसिटी चेंजेस, वेवलेंथ चेंजेस, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होता है, ये स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड क्यों डिक्रीज होता है, रेयर से डेंसर आने के पर रे ऑफ लाइट क्यों डिक्रीज हो जाता है, एक क्वेश्चन, क्योंकि रे ऑफ लाइट बेंड हो रहा है रेयर से रेयर डेंसर से डेंसर मीडियम आने तक रे ऑफ लाइट बेंड हो रहा है, इसलिए वहां स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज हो जाएगा। अब क्या देखेंगे, लाइट किस किस डायरेक्शन, वो सिर्फ रे ऑफ लाइट इट्स ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर, इन बोथ केसेस विल सी। टू केसेस पर लाइट ट्रेवल हो सकता है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम और रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम। पहला वाला रेयर टू डेंसर, रेयर टू डेंसर, रेयर से डेंसर तक लाइट ट्रेवल हो रहा है। यह है उसका डायग्राम, रेयर मीडियम डेंसर मीडियम, नीचे वाला ऊपर वाला रेयर मीडियम, रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम वो क्या हो रहा है, इट्स बेंड, इसका ऑब्जर्वेशन बेंडिंग, बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल है इसका तरफ ही बेंड हो रहा है ना, बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल। दूसरा वाला डेंसर से रेयर, डेंसर टू रेयर, आई आर नॉर्मल, रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम, ये दूसरा डायग्राम है। डेंसर ए डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम तक लाइट जा रहा है, डेंसर से रेयर, रे ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, व्हाट इज हैपनिंग, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, गोइंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल,
अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये नॉर्मल है उसका अवे जा रहा है, यही इसका डेंसर से रेयरर केस है। तो इस वीडियो में हमने रिफ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन देखा है। थैंक यू।